इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिफ खान उर्फ जुनैद की गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जुनैद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आरिस की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है। सफाई मांगी है कि आरिस कैसे बटला हाउस से फरार होने में कामयाब रहा। He's been arrested from some place that we don't know. He should have been arrested from the site of the encounter itself. But he wasn't. So I think the police should have to explain why he wasn't arrested from the site itself. How he was allowed to escape. दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि आरिस की गिरफ्तारी से कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया है। ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ये बात बार बार कही जाती थी। उस वक्त कांग्रेस से कुछ लोगों के घड़ियाली आंसू सुनाई पड़े थे, दिखाई पड़े थे, और कुछ लोग वहाँ पर चीख चीख के रो रहे थे, कांग्रेस के मित्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। वो चीज़ें बार बार बेनकाब हो रही हैं, वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। देश में 5 बड़े बम धमाकों का आरोपी इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिस खान उर्फ जुनैद को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिस को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। आरिस 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था और बटला हाउस एनकाउंटर के बाद फरार होने में कामयाब रहा था। उसी एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे। आरिस खान अलियास जुनैद अपनी किसी कॉन्टेक्ट से मिलने आएगा और इस इंफॉर्मेशन पे कल शाम को इस टीम ने इनको गिरफ्तार किया। ये एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर है। आतंकी आरिस खान की 2007 में यूपी के 3 शहरों में कोट ब्लास्ट, मई 2008 के जयपुर ब्लास्ट और जुलाई 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट में भी तलाश थी। 5 बड़े बम धमाकों में 165 जाने गई थी और 535 लोग घायल हुए थे। 10 साल से फरार आरिस खान पर 15 लाख रुपए का इनाम था।